अभी क्यों दाढ़ी चीता लगाते हैं अभी राम की याद आया हाँ। सत्तर साल के बाद राम की याद आया हाँ। जब नरेंद्र मोदी आज दिलाए हैं राहुल गांधी जी को कि आपको आपको क्यों क्यों पसंद है मोदी जी ये मेरी सरकार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेंगे हाँ। हिंदुस्तान तब तक जिंदा रहेंगे और जीत कर रहेंगे हाँ। हजारों मस्जिद बनेंगे लेकिन हमारे एक राम मंदिर क्यों नहीं बनेंगे योगी के अलावा मोदी के अलावा कोई सरकार नहीं आएगी चौबीस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेंगी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कोई दो मत नहीं है कि आज जो अब जो बात कर रहे हैं को जो चल रहे हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ यात्रा कर रहे हैं ये सिर्फ एक नटं की है कि हमको भारत जोड़ यात्रा की अभी जरूरत नहीं है भारत को तोड़ा था किसने, किसने? इस कांग्रेस पार्टियों ने भारत को तोड़ा था ऐसे? तीन सौ सत्तर लगाकर जो काश्मीर को हमसे अलग किया था एक एक प्रधान एक देश में एक नेशन वन नेशन वन नेशन की जो बात नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही, ही चलेगा और कश्मीर को तोड़ा था कांग्रेस इसलिए नरेंद्र मोदी आकर तीन सौ सत्तर उठाया जो आप जो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की है? तीन तलाक किसने उठाया नरेंद्र मोदी जी ने 370 सौ तीन तलाक उठाकर मुस्लिम के लिए किया है भारत वर्ष में अभी कोई हिंदू मुस्लिम नारा नहीं है 2024 जो चुनाव आएगी इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी इससे कोई दो राहरा ही नहीं है जो राहुल गांधी जी जो अभी भारत जोड़ सिर्फ एक नटंकी है चुनाव के लिए 2024 जो चुनाव आ रहे लोगों को बता रहे हैं कि ये ऐसे करेंगे कोई प्रभाव पड़ने वाला लेकिन आप बाहर हिंदुस्तान जनता ने सब समझ लिया है देश जो गति से आगे बढ़ रहे हैं इसमें कोई दोरा ही नहीं है कि फिर एक बार बीजेपी के सरकार जनता, कोई जनता क्या समझ ली है जनता देखिए हमारे पास जो पिछले आज जिस तरह से जो महिला ने जो गली गली घूम रहा है जो निर्भय से घूम रहे हैं कि इसमें पहले से नहीं था जो ओ पाकिस्तान देखो कि चाइना देखो कुछ दिन के पहले अंदर देखिए आप लोग ने चाइना के ऊपर जो हमारा सेना ने हमला किया है इसका डर था पहले से उस लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने पहले से चाइनीस चाइने के साथ मिली भगत था इसलिए हमको चपा दबा कर रखते थे लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अभी कुछ नहीं है जो हमारे जो हम, हिंदुस्तान के साथ जो पंगा लेंगे कभी नहीं बच सकता हमारी सोच और दिमाग में चल गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेंगे हिंदुस्तान तब तक जिंदा रहेंगे और जीत कर रहेंगे हाँ। क्या लग रहा है राहुल जी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत की नफरत की जो बोल रहे है, उसी हैं उसी तरह नफरत फैला कर पहले से रखे हैं मोहब्बत तो नरेंद्र मोदी जी ने डाला है अंदर नरेंद्र मोदी ने हर हिंदुस्तानी के बीजेपी ने फैलाई है वो इसको तो कहेंगे वो तो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस के का बोलेंगे हमेशा तो मोदी मोदी बोलकर इसका चुनाव देखिए वोट बैंक देखिए कहाँ चला गया उसकी उनकी वोट बैंक चला गया वही मोदी मोदी सोच कर दिन रात हजारों मस्जिद बनेंगे लेकिन हमारे एक राम मंदिर क्यों नहीं बनेंगे भारत वर्ष में एक राम मंदिर बनने चाहिए कि नहीं है हमारा भगवान के मंदिर बनेगा वो तो नरेंद्र मोदी ने आया पांच साल के पुरानी से मंदिर बन गया और आज फिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए आ, जब हिंदू की बात आती है वो कांग्रेस बोलते हैं आगे कहाँ सोए थे इसने साल के लिए अभी क्यों दाढ़ी चीता लगाते हैं अभी राम की याद आया आ, सत्तर साल के बाद राम की याद आया आ, जब नरेंद्र मोदी आदि दिलाए है राहुल गांधी जी को उन्नीस महीने अठारह उन्नीस महीने लगा दिया था इमरजेंसी कांग्रेस ने वो संविधान कहाँ था उधर उस टाइम आप अभी संविधान के बात कर रहे हैं वो लोग लेकिन बदलाव करेंगे कह रहे हैं कि हमारे साथ युवाओं का हुजूम है लाल किले के प्राचीर से ही बोल रहे थे भाई साहब हम तो युवा है ना हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है और बीजेपी भी के साथ है एक पार्टी आएगा तो लोग जाए देखने के लिए लेकिन उसमें कांग्रेस को राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको क्या चल रहा है देखने के लिए इसका मतलब नहीं है कि राहुल गांधी तो की जोड़ो यात्रा में जो भीड़ आ रही हो, में नहीं हो पाएगी। है नरेंद्र मोदी क्या क्या है नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसको पता है खाली भारत जोड़ो यात्रा करने से थोड़ी होता है कैलीबर भी तो होना चाहिए आप भी कर सकते हैं जोड़ने की यात्रा तो इसमें क्या दिक्कत है कोई भी कर सकता है नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सर नेता होने से क्या होगा हाँ। काम करके दिखाइए ना कुछ अच्छा लेकिन बार बार हम लावर हैं कि ऐसे चलता रहेगा तो डेमोक्रेसी है ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे तो आपको वोट कौन देगा हाँ, हाँ। आपको समझना है ना हाँ। 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 हमने मोदी जी के सोलह साल सोलह साल में आपने क्या क्या तरक्की देखा आपके सामने सामने क्या है? लग रहा है भैया चौबीस सौ कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी मोदी क्यूँ मोदी मोदी पूरे योगी अभी बार आएंगे प्रधानमंत्री राहुल राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अरे राहुल गांधी क्या पैंसठ साल में कुछ नहीं कर पाए अब तो ये करेंगे ही हाँ। कि करे देश में नफरत का माहौल है मोहब्बत नफरत तो कुछ नहीं।, नहीं जब पैंसठ साल सन उन्नीस सौ पैंसठ में थी उससे ज्यादा तो नहीं है हाँ। अब देख रहे देश कहाँ कहां पहुँच गया कोई दुण। दुण। दूसरा देश का उंगली नहीं उठा सकता है आप प्रधानमंत्री बनेंगे अरे ये कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे योगी के अलावा मोदी के अलावा कोई सरकार नहीं आएगी ना अखिलेश ना ये ना मायावती कोई नहीं अरे कह रहे कि संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे कुछ भी गए चलो ईवीएम चलेगा आगा आगा ना कोई नहीं हिला पाएगा उनको हाँ। मैं बताता आप आपको, आपको आपको क्यों क्यूँ पसंद है मोदी जी ये मेरी सरकार है हाँ। राहुल गांधी क्यों नहीं अरे राहुल गांधी क्या है कर रहे जिला मैनपुरी में देखो जाए उत्तर प्रदेश अरे प्रियंका गांधी कह रही कि मेरा भाई तपस्वी है त्यागी है साधु है देख रहे कितने यादव लोग रहते हैं लेकिन सीट बीजेपी की निकली है दो भोग विधानसभा मैनपुरी इनो का गढ़ है लेकिन तब भी सीट बीजेपी की क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे मेरे भाई छोड़ो वे कोई वो है, है? पैंसठ साल में साला क्या कर दिया उन्हें ये बताओ आप दस साल में आए दुनिया जानने लगी यहाँ भारत है कुछ